बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी गुलाब जामुन अगर हम घर पर ही बना लें तो हमें बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मावा गुलाब जामुन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम खोया, जिसे मावा भी कहते हैं। इसे हमें सबसे पहले हाथ से तोड़कर सॉफ्ट करना है। तो इस हथेली के हिस्से से हम इसको मथेंगे, यानी कि इस तरह से हम इसको हथेली की मदद से स्मूथ कर लेंगे जब तक कि इसका दाना ख़त्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बार अभी कर चुकी हूँ और इस तरह से देखिए अभी इसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स हैं, यानी कि ये दानेदार है। तो जब तक ये दानेदार रहेगा हमारे गुलाब जामुन अच्छे नहीं बन पाएंगे, इसलिए हमें इस दाने को ख़त्म करना है और इसे हल्के हाथ से इसी तरह से मथना है जब तक ये दाना ख़त्म नहीं हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा मावा लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसको स्मूथ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी ये दाना नज़र नहीं आ रहा और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। इसका टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। मावा हमारा एकदम स्मूथ हो चुका है, हम इसे एक साइड में कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे पनीर। तो यहाँ पर मैंने 60 ग्राम पनीर लिया है और एक बारीक ग्रेटर ले लिया है, जिसमें हमें इसको ग्रेट कर लेना है। बारीक ग्रेटर से ये होगा कि थोड़ा आसान हो जाएगा, हमें इसको भी इसी तरह से स्मूथ करना है। बिल्कुल पनीर भी हमारा दानेदार होता है, तो इसीलिए हमें इसे भी हथेली की मदद से स्मूथ करना होगा, तभी हमारे गुलाब जामुन अच्छे बन पाएंगे। ये हमारे पनीर और मावे की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी बार मथने के बाद स्मूथ हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हमें अच्छे पनीर और मावे का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सभी का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पनीर भी स्मूथ हो चुका है। अब हम इन दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे। अगर ये स्टेप हमने ठीक नहीं किया, यानी कि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया कि हमारा मावा स्मूथ हुआ है या नहीं, तो हमारे जो गुलाब जामुन है वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसको भी अच्छी तरह से इसी तरह से हमें मिक्स करना है। और एक बात का हमें और ध्यान रखना है कि हमें इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। अभी थोड़ा सा स्टिकी है, इसके लिए हम डाल देंगे इसके अंदर मैदा। इस स्टेप में हमें मैदे को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, क्योंकि पनीर और मावा जो है हमारा वो कितना मैदा लेता है ये हमें देखना होगा। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको मैदा ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 4 टेबल स्पून मैदे का यूज़ किया है। अब आप देख सकते हो नीचे से उसने थाली को छोड़ना शुरू कर दिया है और अब ये बिल्कुल भी स्टिकी भी नहीं है और चिपक भी नहीं रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे हाथ भी बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और इसका एक डो जैसा बना लेंगे और इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे कवर करके 15 मिनट के लिए, ताकि मैदा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सेट हो जाए। अब हम इतनी देर चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 4 कप के करीब मैंने चीनी डाल दी है और इसके अंदर हमें डालना है 3 कप के करीब पानी। तो 4 कप चीनी है और 3 कप पानी है यहाँ पर। चीनी और पानी को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर अभी हमें इसकी फ्लेम को हाई रखना है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 छोटी इलायची। तो ये मैंने तोड़कर डाली है बीच में से। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 10-12 केसर के धागे, जो कि बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। इसके अंदर छोटी इलायची और केसर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसमें। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब रोज़ वाटर। रोज़ वाटर नहीं है आपके पास तो आप इसमें केवड़ा वाटर का भी यूज़ कर सकते हो। ये इस चाशनी में बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर देंगे। चीनी हमारी घुल चुकी है देखिए, और अब हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए और पकाना है। तो चीनी को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं पकाना है। तो 2 मिनट के बाद देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है और अब मैं इसको चेक करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए ना तो इसमें कोई तार है और ना ही ये चिपचिपी है, तो इसी तरह की हमें चाहिए। अगर चीनी की चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई तो ये हमारे जो गुलाब जामुन है उसके अंदर नहीं जाएगी और गुलाब जामुन अंदर से सूखे रह जाएंगे। तो अब हमने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम चलते हैं गुलाब जामुन बनाने की तरफ। तो यहाँ पर हम अपना मावा देख लेते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे हम एक बार फिर से स्मूथ करेंगे इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा हमें इसे स्ट्रेच नहीं करना है ना गूंदना है, बस इस तरह से स्मूथ करना है। जिस साइज़ के आप गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं, आप इसमें से इतनी बड़ी इसके अंदर से गोलियाँ निकाल लीजिएगा, या फिर आप कोई स्पून लेकर उससे मेज़रमेंट कर सकते हो, ताकि जो भी आपके गुलाब जामुन हैं एक साइज़ के बन जाएं और एक ही शेप के बन जाएं, जो देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
अब हमने एक बॉल को लेना है और इस तरह से हथेली के बीच में रखकर उसे दबाकर इस तरह से गोल गोल करना है। गुलाब जामुन को कभी भी हमें ढीले हाथ से नहीं बनाना चाहिए, यानी कि हल्के हाथ से नहीं बनाना चाहिए, उसे हमेशा इसी तरह से दबाकर बनाना चाहिए ताकि हमारे गुलाब जामुन अच्छे बने। इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन को बना लेंगे और देखिए ये कितने ज़्यादा स्मूद हैं और बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने तेल को गर्म कर लिया और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो पर रखा है। तेल को चेक करने के लिए मैंने इसके अंदर एक छोटा सा गुलाब जामुन का पीस बनाकर डाल दिया है। अब ये धीरे धीरे से ऊपर आए तो समझ लीजिएगा आपका तेल बिल्कुल तैयार है गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए, और अगर ये फ़ौरन ऊपर आ गया तो थोड़ा सा इसको ठंडा करने की ज़रूरत है। तो यही इसका मेन पार्ट है। और अब इसको हम इस चम्मच की मदद से थोड़ा सा चलाएंगे, यानी कि हमारा जो तेल है वो चलना चाहिए, गोल गोल घूमना चाहिए। इससे ये होगा कि गुलाब जामुन चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएंगे। और इसी तरह से हम इसको घुमा घुमा कर सेक लेंगे। तो सारे गुलाब जामुन आप इस तरह से सेक लीजिएगा और उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद ये गरम गरम ही हमें चाशनी में डालने हैं। चाशनी भी थोड़ी सी गरम होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए चाशनी, वरना ये चाशनी को पियेंगे नहीं। तो इसी तरह से हमने इसको डाल दिया है और इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ दबा देंगे क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसी तरह से हम बाकी गुलाब जामुन भी फ्राई कर लेंगे। तो शेप आप अपनी पसंद से दे सकते हो गुलाब जामुन को, जो आपका दिल करे। तो इस तरह से इनको भी हमने डाल दिया और इनको हम 4 से 5 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से चाशनी को पी लें। तो चाशनी अगर गाढ़ी होगी तो ये कभी भी चाशनी को नहीं पियेंगे और अंदर से सूखे रह जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार कि गुलाब जामुन हमारे अंदर से सूखे रह जाते हैं। तो यही वजह है कि अगर हमारी चाशनी गाढ़ी होगी तो ये कभी भी चाशनी को नहीं पियेंगे। तो इसी तरह से हम गुलाब जामुन को बना सकते हैं। तो देखिए कितने परफेक्ट गुलाब जामुन और बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं घर पर। अगर आप गुलाब जामुन को बनाने के लिए जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, अगर आप उनको सही से फॉलो करते हो तो आप भी ये परफेक्ट गुलाब जामुन बना सकते हो। इस साइज़ में 250 ग्राम मावे में मैंने 25 से 26 गुलाब जामुन बनाकर तैयार किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस ईद पर ये मिठाई आप घर पर बनाइए और अपने मेहमानों को सर्व कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।